हाँ जी पर इसमें आपको हाँ एक पुणे में बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है करके अच्छा उसके बड़े तो पोटैटो उबाल कर उसको बारीक करना फिर उसमें नींबू तुम्हारे अंदर से दोगुना डालना काला नमक डालना अदरक की पेस्ट डालना लहसुन की पेस्ट डालना और उसके साथ ओनियन की भी पेस्ट डालना और धर, मिर्ची जो है हुँ. वो बारीक नहीं करना एकदम उसके हुँ. थोड़े थोड़े बारिक टुकड़े रहेंगे वो मिर्ची बारीक करके वो डालना हुँ. और उसका बड़ा खा के हल्दी नहीं तीखा नहीं कुछ नहीं इतनी ब्यूटीफुल टेस्ट आती है उसकी अच्छा आप अदरक और उसमें लहसुन की पेस्ट ज्यादा डालिए और नींबू और थोड़ा शक्कर भी डालिए थोड़ी सी तो बहुत अच्छा होता है और काला नमक डालिए बहुत सुंदर वड़ा होता है वो ये मैं जरूर ट्राई करूंगी और एक प्रभात के प्रभात वड़ा पुना, पुना का तो मैं जब भी पुना जाता हूँ तो हाँ प्लेन में हाँ। वड़े मेरा मित्र है है <laughs> है वो 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 लाके देता मैं बराबर अभी ही जी पर इसमें आपको बताता हाँ जी एक पुना में बड़ा प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है प्रभात करके अच्छा उसके वड़े मुझे बहुत पसंद है तो वो रेसिपी मैंने लाई और अभी मेरे घर पे आप भी बनाई है वो रेसिपी ऐसी है बताओ रेसिपी हम सब बनाएंगे सारे पोटेटो उबाल कर उसको बारीक करना फिर उसमें नींबू तुम्हारे अंदर से दोगुना डालना अच्छा। काला नमक डालना अदरक की पेस्ट डालना लहसुन की पेस्ट डालना और उसके साथ ओनियन की भी पेस्ट डालना और मिर्ची जो है वो बारीक नहीं करना एकदम उसके थोड़ थोड़े थोड़े बारीक टुकड़े रहेंगे वो मिर्ची बारीक करके वो डालना और उसका बड़ा खा के तो, हल्दी नहीं तीखा नहीं कुछ नहीं इतनी ब्यूटीफुल टेस्ट आती है उसकी अच्छा आप अदरक और उसमें लहसुन की पेस्ट ज्यादा डालिए और नींबू और थोड़ा शक्कर भी डालिए थोड़ी सी हाँ। तो बहुत अच्छा होता है और काला नमक डालिए बहुत सुंदर बड़ा होता है वो ये मैं जरूर ट्राई करूंगी और ये प्रभात के प्रभात